हर हर महादेव दोस्तों, आज की कथा हम बताएंगे भगवत गीता का सार। जो होना है वह तो होकर ही रहेगा। आइए इस कहानी का विस्तार करते हैं। अभिमन्यु के पुत्र राजा की परीक्षित थे। राजा परीक्षित के बाद भी उनके लड़के जनमेजय राजा बने। एक दिन जनमेजय वेद व्यास जी के पास बैठे थे। बातों ही बातों में जनमेजय ने कुछ नाराजगी से दिव्यास जी से कहा कि जहां आप समर्थ थे भगवान श्री कृष्ण थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य जी, धर्मराज, युधिष्ठिर जैसे महान लोग उपस्थित थे, फिर भी आप महाभारत के युद्ध को होने से नहीं रोक पाए और देखते देखते अपार जन धन की हानि हो गई। यदि मैं उस समय रहा होता तो अपने पुरुषार्थ से इसको विनाश होने से बचा लेता। अहंकार से भरे जनमेजय के शब्द सुनकर भी व्यास जी शांत रहे। उन्होंने कहा, पुत्र, अपने पूर्वजों की क्षमता पर शंका ना करो। यह विधि द्वारा निश्चित था जो बदला नहीं जा सकता था। यदि ऐसा हो सकता तो श्री कृष्ण में भी इतनी सामर्थ्य थी कि वे वीर्य को रोक सकते थे। जनमेजय अपनी बात पर अड़ा रहा और बोला, मैं इस सिद्धांत को नहीं मानता। आप तो भविष्यवक्त हैं, मेरे जीवन की होने वाली किसी होनी को बताइए, मैं उसे रोककर प्रमाणित कर दूंगा कि विधि का विधान अनिश्चित नहीं होता और निश्चित भी नहीं होता। व्यास जी ने कहा, पुत्र, यदि तुम यही चाहते हैं तो सुन। कुछ वर्ष बाद तू काले घोड़े पर बैठकर शिकार करने जाएगा। दक्षिण दिशा में समुद्र तट पर पहुंचेगा। वहां तुम्हें एक सुंदर स्त्री मिलेगी जिसे तू महलों में लाएगा और उससे विवाह करेगा। मैं तुमको मना करूंगा कि ये सब मत करना, लेकिन फिर भी तुम यह सब करोगे। इसके बाद उस लड़की के कहने पर तू एक यज्ञ करेगा। मैं तुमको आज ही चेता कर रहा हूँ कि उस यज्ञ को तुम बुद्ध ब्राह्मणों से कराना, लेकिन वह यज्ञ तुम युवा ब्राह्मणों से कराओगे। और जनमेजय ने हंसते हुए व्यास जी की बात काटते हुए कहा कि मैं आज के बाद काले घोड़े पर ही नहीं बैठूंगा, तो यह सब घटना घटित ही नहीं होगी। व्यास जी ने कहा कि ये सब होगा और अभी आगे की ओ सुन। उस यज्ञ में एक ऐसी घटना घटित होगी कि तुम उस रानी के कहने पर उन युवा ब्राह्मणों को प्राण दंड दोगे, जिससे तुम्हें तुझे ब्राह्मण हत्या का पाप लगेगा और तुझे कुष्ठ रोग होगा और वही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इस घटनाक्रम को रोक सको तो रोक लो। देवव्यास जी की बात सुनकर जनमेजय ने एहतियात व शिकार पर जाना ही छोड़ दिया। परंतु जब होनी का समय आया तो उसे शिकार पर जाने की बलवती इच्छा हुई। उसने सोचा कि काला घोड़ा नहीं रूंगा, पर उस दिन उसे अस्तबल में काला घोड़ा ही मिला। तब उसने सोचा कि मैं दक्षिण दिशा में नहीं जाऊंगा, परंतु घोड़ा अनियंत्रित होकर दक्षिण दिशा की ओर गया और समुद्र तट पर पहुंचा। वहां पर उसने एक सुंदर स्त्री को देखा और उस पर मोहित हुआ। जनमेजय ने सोचा कि इसे लेकर महल में तो जाऊंगा, लेकिन शादी नहीं करूंगा। परंतु उसे महलों में लाने के बाद उसके प्यारे पड़कर उससे विवाह भी कर लिया। फिर रानी के कहने से जनमेजय द्वारा यज्ञ भी किया गया। उस यज्ञ में युवा ब्राह्मण ही रखे गए। इसी बात पर युवा ब्राह्मण रानी पर हंसने लगे। रानी क्रोधित हो गई और रानी के कहने पर राजा जनमेजय ने उन्हें प्राण दंड की सजा दे दी। फलस्वरूप उसे कोढ़ हो गया। अब जनमेजय घबरा गया
और तुरंत व्यास जी के पास पहुंचा और उसने जीवन बचाने के लिए प्रार्थना करने लगा। देव व्यास जी ने कहा, एक अंतिम अवसर तेरे प्राण बचाने का और देता हूँ। मैं तुझे महाभारत में हुई घटना का श्रवण कराऊंगा, जिसे तुझे श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुनना है। इससे तेरा कोढ़ मिटता जाएगा। परंतु यदि किसी भी प्रसंग में तूने अविश्वास किया तो मैं महाभारत का प्रसंग रोक दूंगा और फिर मैं भी तेरा जीवन नहीं बचा पाऊंगा। याद रखना, तेरे पास ही अंतिम अवसर है। अब तक जन्मेजय को व्यास जी की बातों पर पूरा विश्वास हो चुका था, इसलिए वह पूरी श्रद्धा और विश्वास से कथा श्रवण करने लगा। व्यास जी ने कथा आरंभ करी और जब भीम के बल के वे प्रसंग सुनाए, जिसमें भीम ने हाथियों को सूंड़ों से पकड़कर उन्हें अंतरिक्ष में उछाला, वह हाथी आज भी अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। जब जन्मेजय अपने आप को रोक नहीं पाया और बोला उठा कि ये कैसे संभव हो सकता है, मैं नहीं मानता, व्यास जी ने महाभारत का प्रसंग रोक दिया और कहा, पुत्र मैंने तुझे कितना समझाया कि अविश्वास मत करना, परंतु तुम अपने स्वभाव को नियंत्रण में नहीं कर पाए, क्योंकि यह होनी द्वारा निश्चित था। फिर व्यास जी ने अपनी मंत्र शक्ति से आवाहन किया और वे हाथी पृथ्वी की आकर्षित शक्ति में आकर नीचे गिरने लगे। तब व्यास जी ने कहा, यह मेरी बात का प्रमाण है। जितनी मात्रा में जन्मेजय ने श्रद्धा विश्वास से कथा श्रवण की, उतनी मात्रा में वह उस कुष्ठ रोग से मुक्त हुआ, परंतु एक बिंदु रह गया और वही मृत्यु का कारण बना। भगवान कहानी का सार, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनती है शरीर। कर्म हमारे हाथ में है, लेकिन उस फल का हमारे हाथों में नहीं है। गीता के 11वें अध्याय के 33वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन जी कहते हैं, उठ खड़ा हो और अपने कार्य द्वारा यश प्राप्त कर, यह सब तो मेरे द्वारा पहले ही मार चुके हैं, तो तू केवल निमित्त बना है, होने को टाला नहीं जा सकता। लेकिन नेक कर्म व ईश्वर नाप जाप से होने के प्रभाव को कम किया जा सकता है, अर्थात रोग आएंगे परंतु पीड़ा नहीं होगी। अगर आपको भगवान भगवत गीता का यह प्रसंग अच्छा लगा हो तो आप दो और लोगों को शेयर कीजिए, आपको पुण्य मिलेगा, लाभ के भागीदारी बनेंगे।